Bismillahirrahmanirrahim. Spectroscopy. Spectro means color, scopy means study. Spectroscopy is the study of interaction of electromagnetic radiation with any substance. Isme hum kisi bhi substance ke saath electromagnetic interaction ko study karte hain. Two types of interaction hai. Agar hum electromagnetic radiation ko kisi bhi substance se pass kare तो दो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा. एब्जॉर्प्शन में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, इसमें वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है. इमिशन प्रोसेस में हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आ जाता है और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को इमिट करता है. कौन सा वेवलेंथ इसने इमिट किया है, इसको हम किसी भी सब्सटेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और इस टाइप ऑफ एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं. कितना अमाउंट में इसने एब्जॉर्ब किया है, इसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में को समझने के लिए आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करना होगा. वो रेडिएशन जो कि ऑब्टेन होते हैं या सन से या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम हीट करें और वो रेड कलर हो जाए और हमारे पास रेडिएशन इमिट करे, तो इसको हम इस टाइप ऑफ रेडिएशन को या लाइट को हम इनकैंडेसेंट लाइट कहते हैं, या वो रेडिएशन जो कि हमारे पास बल्ब से ऑब्टेन होता है इसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, EMR. ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टू कंपोनेंट है, एक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा है मैग्नेटिक कंपोनेंट. और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इसका मैक्सिमा और मिनिमा एक ही साथ में रन होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम वेवलेंथ या वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के टर्म में यूज करते हैं. वेवलेंथ क्या है, ईच वेव का एक क्रस्ट होता है जो कि अपर पोर्शन को हम कहते हैं और एक ट्रफ होता है जो कि लोअर पोर्शन को हम कहते हैं. दो क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. वेव नंबर क्या है, पर सेंटीमीटर हमारे पास कितना नंबर ऑफ साइकिल है. एक साइकिल बराबर होता है एक क्रस्ट के और एक ट्रफ के, ये दोनों मिलके हमारे पास एक साइकिल बनाता है. वेव नंबर और वेव लेंथ एक दूसरे के रिसिप्रोकल है, जितना ज्यादा वेव नंबर होगा उतना ही वेव लेंथ डिक्रीज होगा. ऊपर पोर्शन में नंबर ऑफ वेव ज्यादा है, नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा है तो इसका वेव नंबर ज्यादा है. नीचे पोर्शन में नंबर ऑफ साइकिल कम है तो इसका वेव नंबर कम है. इसमें तीन साइकिल है और इसमें दो साइकिल है. एक साइकिल एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बराबर होता है और इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रिक्वेंसी क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट से कितना साइकिल पर यूनिट टाइम पास होता है इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इसका यूनिट हर्ट्ज है और इसको हम साइकिल पर सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, या एक हर्ट्ज बराबर होता है एक साइकिल पर सेकंड के. एनर्जी क्या है, ईच फोटॉन का एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है और यह हमारे पास बराबर है ई इज इक्वल टू एच एफ का. E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी है. प्लैंक कांस्टेंट बराबर है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3 पर जूल सेकंड का. ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 8 कंपोनेंट है, 8 रीजन है. कॉस्मिक गामा एक्सरे यूवी लाइट आईआर माइक्रोवेव रीजन रेडियो वेव रीजन. इसको हम कौन से निमोनिक से याद करते हैं, रिच मैन इन इंग्लैंड इन लंदन यूज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन. और इसका वेव नंबर या एनर्जी या फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है जबकि वेव लेंथ इंक्रीज होता है. कॉस्मिक रीजन का वेव लेंथ
कम है, और जबकि एनर्जी या वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल. ईच मॉलिक्यूल में हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, जबकि एटम में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है. मॉलिक्यूल में एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल. ई नॉट, वी नॉट, आर नॉट. ईच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ वाइब्रेशनल एनर्जी होता है और रोटेशनल एनर्जी होता है. ई नॉट, वी नॉट, आर नॉट ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और ये इससे थोड़ा सा हाई एनर्जी स्टेट में है. ईच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ वाइब्रेशनल एनर्जी होता है V1, V2, V3, जबकि ईच वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के साथ फिर रोटेशनल एनर्जी होता है. इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अगर ये यूवी विजिबल रीजन में है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा. इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चला जाता है. अगर ये इंफ्रारेड रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी V1 से V2 में चला जाएगा. रोटेशनल रोटेशनल एनर्जी के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है या जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ये माइक्रोवेव रीजन से एब्जॉर्ब करता है. मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन कितने हैं. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस रेडियोवेव रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. रोटेशनल में स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोवेव रीजन से एब्जॉर्ब करते हैं, और वाइब्रेशनल ट्रांजिशनल के लिए ट्रांजिशन के लिए IR रीजन से मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी होता है रिक्वायर होता है वो यूवी विजिबल रीजन से ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास मॉलिक्यूल यूवी रीजन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है, इसलिए इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है IR रीजन से, और या तो बॉन्ड एंगल में इंक्रीज या डिक्रीज शो करता है या बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज शो करता है. NMR में स्पिन क्लिपिंग होता है. NMR में रेडियो वेव रीजन से एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट से या क्लॉकवाइज स्टेट से या अल्फा स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में या एंटी क्लॉकवाइज स्टेट में चला जाता है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्लॉट है, ग्राफ है किस चीज का, एब्जॉर्बेंस का या ट्रांसमिटेंस का वर्सेस लैम्डा वेवलेंथ नंबर या फ्रीक्वेंसी का. इस प्लॉट में या इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस एक्स वाई एक्सिस पर होता है, जबकि वेवलेंथ वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक्स एक्सिस होता है. ये इंडिकेट करता है एब्जॉर्प्शन बैंड का या एब्जॉर्प्शन पीक का. ये वर्ड इसलिए होता है कि क्योंकि ईच मॉलिक्यूल में या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास ट्रांजिशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन में के जो एनर्जी होता है के लिए एनर्जी रिक्वायर होता है उसमें डिफरेंस कम होता है, इसलिए ये वाइड फॉर्म में देता है. लाइन स्पेक्ट्रम क्या है. लाइन स्पेक्ट्रम इंडिकेट करता है एटम को, वो एटम एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को या तो एमिट करता है या ऑब्जर्व करता है, वो अपेयर होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइन, इसलिए इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. लाइन स्पेक्ट्रम किस चीज के लिए होता है, एटम के लिए होता है. लाइन स्पेक्ट्रम के टू टाइप्स है, एक लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एटम से हम लाइट को पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और एब्जॉर्ब करते हैं एक फ्रिक्वेंसी को, स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी को.
वो फ्रीक्वेंसी अपेयर होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे इन द फॉर्म ऑफ डार्क लाइन। लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड कलर होता है, जबकि डार्क लाइन हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी जो इसने एब्जॉर्ब किया होता है, इसकी जगह हमारे पास डार्क लाइन अपेयर होता है। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम में हम एटम को हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, फिर हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी एमिट करता है। इसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर बैकग्राउंड डार्क होता है, जबकि कलर लाइन इंडिकेट करता है एमिशन फ्रिक्वेंसी को। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो स्पेक्ट्रल रीजन के लिए स्टडी करने के लिए यूज होते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर जितने भी हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोमीटर, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटर वो डिवाइस जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से इस एट रीजन से या किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से सेलेक्ट करते हैं। क्विट वो कंटेनर जिसमें हम सैंपल को होल्ड करते हैं, ग्लास कंटेनर होते हैं। डिटेक्टर जो कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन को करंट के फॉर्म में करंट में चेंज करता है, और रीड आउट डिवाइस वो डिवाइस जो कि डिस्प्ले करता है इसको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। स्पेक्ट्रोमीटर 2 टाइप्स के हैं। अगर इसमें हम पिक्स वेवलेंथ के लिए फिल्टर यूज करें तो फिर इसको हम फोटोमीटर कहेंगे। अगर इसमें हम मोनोक्रोमेटर यूज करते हैं तो इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहेंगे। जैसा कल्ला।